आरजेडी नेता और विधायक तेज प्रताप यादव की गाड़ी आज पटना के इको पार्क इलाके में बुरी तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हो गई और आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं तेज प्रताप यादव के गाड़ी की। यही वो मारुति सुजुकी का ब्रेजा गाड़ी है जिसमें तेज प्रताप यादव दिन में तकरीबन 1 बजे इस इलाके से गुजर रहे थे और आगे की सीट पे ड्राइवर के बगल में वो बैठे हुए थे और सामने से एक और गाड़ी आ रही थी जो हुंडई वर्ना गाड़ी है जो कि एक लग्जरी गाड़ी है और दोनों गाड़ियों की भीषण टक्कर हुई है और इस टक्कर में आप देख सकते हैं किस तरीके से तेज प्रताप यादव जिस गाड़ी में बैठे हुए थे वो बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। और अब आपको दूसरी गाड़ी का भी हम हाल दिखाते हैं कि उस गाड़ी में किस तरीके से नुकसान पहुंचा है। बताया ये जा रहा है कि इस गाड़ी में अब ये आप देखिए काले रंग की ये हुंडई वर्ना गाड़ी है और इस समय यहाँ आप देख सकते हैं इसका दाहिना हिस्सा जो है किस तरीके से पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। बताया जा रहा है इस गाड़ी में भी कुछ छात्र ही थे जो सवार थे और दोनों गाड़ियों की आमने सामने की टक्कर हुई है जिसमें तेज प्रताप यादव को हल्की चोटें आई हैं। और इस घटना के तुरंत बाद तेज प्रताप अपने जो पायलट गाड़ी है और जो उनके साथ एस्कॉर्ट पार्टी है उस गाड़ी में बैठकर तुरंत अपने घर गए और फिर वहां से वो अपनी गाड़ी में बैठकर फिर पारस अस्पताल पहुंचे हैं जहां पर वो इमरजेंसी वार्ड में अभी फ़िलहाल हैं और वहां पर उनका इलाज चल रहा है। लेकिन यहां पे आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से तेज प्रताप जिस गाड़ी में बैठे हुए थे वो बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए, दुर्घटनाग्रस्त हुई है ये दोनों गाड़ियाँ। लेकिन एक संतोषजनक बात यह है कि इस घटना में सिर्फ दोनों साइड में जो लोग थे उनको सिर्फ चोटें आई हैं, घायल हुए हैं, कोई हताहत नहीं हुआ है। लेकिन ये घटना अपने आप में बता रही है किस तरीके से इको पार्क के इलाके में दिन के तकरीबन 1 बजे हाई स्पीड में ये दोनों गाड़ियाँ गुजर रही थी, एक दूसरे के आमने सामने हो गई और भीषण टक्कर हुई जिसमें तेज प्रताप को चोटें आई हैं। फिलहाल वो खतरे से बाहर है लेकिन उनका इलाज जो है वो पारस अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में चल रहा है।